नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको इंस्टेंट रेसिपी खीर की लेके आई हूँ, जिसमें मैंने हाफ लीटर दूध ताज़ा अमूल ताज़ा यूज़ की हूँ। आप लोग कोई भी दूध यूज़ कर सकते हो, लेकिन हाफ लीटर यूज़ कीजिएगा। हाफ लीटर को थोड़ा सा पतला भी कीजिएगा पानी डालकर, ताकि वो ज़्यादा थिकनेस क्रीमी ना हो, क्योंकि खीर मिक्स थोड़ा सा खींचता है। तो इसलिए यूज़ करते हैं कि ताकि इसमें सारे जो ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं तो इंस्टेंट जल्दी बन जाता है। बाकी खीरों में तो बहुत कुछ डालना पड़ता है, तो इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। और ये देखिए, दूध को मैं उबाल रही हूँ। इसी बीच में मैं चीनी भी डाल दूँगी। देखिए, मैंने चीनी भी डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको उबालना है। अच्छी तरह से उबाल दिया। इस बीच में मैं एक पैन बिठाऊंगी। इस पैन में मैं खीर मिक्स को थोड़ा सा ऑयल के साथ थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी, ताकि फ्लेवर अच्छा रहे। अब मैं ऑयल से कर रही हूँ, आप घी से भी कर सकते हैं। थोड़ा सा घी तेल डालिए या घी डालिए, मिक्स कर दीजिए। तो मैं अभी वो ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी, पैन में फैला लूंगी, और गर्म होते ही मैं खीर मिक्स को डाल दूंगी। दिया है फ्लेम को, अब खीर मिक्स डाल दूंगी। थोड़ा सा भुनेंगे फ्लेवर के लिए। आपको जितना खीर मिक्स चाहिए उतना यूज कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टेंट है, इससे सब कुछ मिक्स किया होता है और आपको इंस्टेंट खीर बन जाएगा। ज़्यादा देर नहीं लगता है, 8 से 10 मिनट में आपका ये खीर बन जाता है जल्दी जल्दी। अगर आपको थिक चाहिए तो 15 मिनट होगा, और लूज चाहिए तो लूज भी आपको 8 से 10 मिनट में हो जाएगा। इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह से फ्राई करना है, ताकि उसका जो फ्लेवर है अच्छी तरह से आए और खाने में टेस्ट अच्छा बना रहे। इसीलिए मैं अच्छी तरह से भून लूँगी। भूनने के बाद मैं दूध में इसको डाल दूँगी। तो अभी भून लिया है मैंने अच्छी तरह से, और भी भूनेंगे। हो गया है हमारा भूनना। अब क्या करना है, हमें इसमें दूध में डाल देना है, और कुछ नहीं करना है। दूध में मैंने डाल दिया है, अब इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, कलर भी बहुत बढ़िया आया है, ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, बस इसको बॉइल होने देना है। बॉइल होने के बाद आप अच्छी तरह से खा सकते हैं। तो ये देख लीजिए, मैंने बॉइल कर दिया है, होने के इंतजार में। ये देखिए, खूबसूरत सा बन चुका है, अच्छी तरह से बन रहा है। थोड़ा सा हिला दे रहे हैं कि नीचे में ना लगे, और चेक भी कर ले रहे हैं कि ये पक गया कि नहीं। अब पकना शुरू हो रहा है। इनमें इसे तो यूज किया जाता है, ड्राई फ्रूट्स इंस्टेंट रहता है इसमें। और अगर आप अलग से खीर बनाओगे तो उसमें तो बहुत कुछ डालना पड़ता है। ये देखिए, उबाल आ गया है, कितना अच्छा लग रहा है देखकर, ताकि खाने में भी टेस्ट आए। और हमारे यहाँ तो सभी ने खाया है, फैमिली लोगों ने, तो टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये कलर भी कितना अच्छा कलर आया है। अगर आपको ये रेसिपी अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। और नए दोस्त जरूर ज्वाइन कीजिएगा मेरे चैनल पर। धन्यवाद।